आप लोग यहाँ प्लामू में जो समरसेबल पंप फंस जाता है उसको निकालते हैं और किसी भी किस्म का ये निकाल लेते हैं आप लोग। क्या नाम हुआ आपका? चुन्नू चौधरी। और संपर्क आपसे कैसे करेंगे, कहाँ पर मिलेंगे? गुरुद्वारा के पास जी डालेंगे। और आपके साथ में ये हैं, आपका भी अपना आपका एक बार फिर से स्वागत है उदयपुरी ब्लॉग पे। अगर आपने हमारा ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऊपर बने हुए सब्सक्राइब पर लिख उंगली दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी दबा दें। तो आज हम आपको दिखलाते हैं इनका कांटेक्ट नंबर है, बोरिंग में फंसे हुए मशीन को कैसे निकालते हैं समरसेबल पंप को। अगर आपकी बोरिंग में ऐसा होता है कि बोरिंग में मशीन बहुत बार फंस जाती है, निकालना काफ़ी कठिन होता है और अगर अनुभवहीन मिस्त्री है तो आपके मशीन को और फंसा देगा और फिर निकलना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो जब भी आपकी बोरिंग में अभी आपके समरसेबल पंप फंस जाए तो अनुभवी मिस्त्री से ही निकलवाएं। उसके लिए सबसे पहले चैन पुलिंग लगाई जाती है। ये आप देख रहे हैं तीन चक्कों वाली ये चैन पुलिंग तीन पाइपों के सहारे लगाई गई है। इसी के सहारे वो पंप को नीचे से खींचेंगे। पंप को नीचे से खींचने के लिए रस्सी में बांध के तीन सरिये के टुकड़े लटकाए जाते हैं और नीचे एक वेट लोहे का रहता है जिससे वजन से वो ऊपर से नीचे की ओर धक्का देते हैं जिससे पंप कुछ नीचे जाता है और धीरे धीरे अपने स्थान से हिलता है। जब नीचे ऊपर उसके बाद फिर ऊपर की ओर चेन पुलिंग से उसे खींचते हैं और ये देखिए वो लपेट रहे हैं। ऐसे मैनुअली खींचना बहुत मुश्किल है इतना भारी। इससे आप 2000 किलो तक का आप वजन और ऐसे ये जो बड़ी पेन चैन पुली है इससे 5000 केजी तक का वजन आप खींच सकते हैं मैनुअली भी। इस तरह से ये रस्सी से लपेट रहे हैं और चैन पुलिंग से ये ऊपर की ओर खींच रहे हैं। नीचे ऊपर करते हुए पंप के जाम को छुड़ा देते हैं और आपका पंप धीरे धीरे ऊपर आ जाता है। ये टिपू मिस्त्री जी हैं, ये भी बता रहे हैं कैसे करना है। और वो श्याम बिहारी मिस्त्री जी और चौधरी जी हैं, ये सारे लोग मिलकर कर रहे हैं। ये पंप हमारा यही सरिया है जिसे धीरे धीरे खोल के निकाला जा रहा है और पंप हमारा नीचे से ऊपर आ रहा है इसके सहारे। ये जो आप सामने देख रहे हैं चुन्नू मिस्त्री जी हैं, चुन्नू चौधरी, ये डाल्टनगंज के हैं। इनका मोबाइल नंबर है 9110134821। ये डाल्टनगंज गुरुद्वारा के पास रहते हैं और ये डाल्टनगंज झारखंड में हैं। रस्सी के सहारे नीचे से पंप निकलेगा और अगर अनजान और बिना जानकारी वाले मिस्त्री रहें तो ये पंप नहीं निकाल पाते हैं। कभी वो बोलेंगे इसमें साबुन डाल दीजिए, कभी बोलते हैं सर्फ डाल दीजिए। और वैसे मिस्त्रियों से सावधान रहें, इसमें न तो साबुन लगेगा न सर्फ लगेगा, ये सिर्फ चैन पुली से ऊपर की ओर खींचा जाएगा। ये सामने बैठे हुए हैं ये बिहारी मिस्त्री जी हैं, ये चैनपुर डाल्टनगंज के रहने वाले हैं और ऊपर की ओर खींचते हुए देखिए ये चैन पुली के सहारे अब ये नीचे छोड़ा जा रहा है धीरे धीरे। तो एक तरफ से छोड़ते हैं और फिर उसको फिर खींचते हैं फिर छोड़ते हैं, ऐसे करके जाम को छुड़ाया जाता है। ये अभी रस्सी नीचे की ओर जा रही है और जाम धीरे धीरे नीचे ऊपर करते हुए छुड़ाया जाएगा। काफ़ी समय लगता है, पेशेंस का भी काफ़ी इसमें आवश्यकता है। असल में होता क्या है कि अगल बगल की मिट्टियाँ भरक जाती है या बालू आ जाता है जिससे पंप आपके जाम हो जाते हैं।
और वैसा में ज़्यादा करके दिक्कत होता है जब आपका रॉल पाइप लगा हुआ हो और बीच में जोड़ हो, तब इसको निकालने में थोड़ा ज़्यादा कठिनाई होता है। और जो जोड़ बिना अगर आपका पाइप है तो निकालना ज़्यादा आसान होता है। ये देखिए अब नीचे से खींचा जा रहा है ऊपर की ओर। हाथ से खींचना संभव नहीं, इसलिए देखिए ये पाइप लगाया गया है जिसको पाइप को घुमाया जाता है और उसी के सहारे इसको ऊपर की ओर खींचा जाता है। ये देखिए ये पंप निकलने लगा है और ये समर्सिबल का पाइप निकल रहा है। पंप से जाम बिल्कुल हट गया है और अब आसानी से पंप आपका निकल रहा है बाहर की ओर आता हुआ। यही समर्सिबल का पाइप है जो जाम के कारण अंदर फंस गया था। ये पूरा पाइप लगभग अब बाहर को आ गया है, साथ में ये रस्सी के सहारे अब धीरे धीरे, क्योंकि काफ़ी गहरा बोरवेल है, लगभग 300 फीट के आसपास पाइप इसमें है, मोटर नीचे में है। बिना चैन पुली के ये संभव नहीं है, अगर हाथ से वो निकालना चाहें तो ये संभव ही नहीं था कि निकल पाता। ये काफ़ी नीचे से निकल गया है पंप, हमारा पंप पूरा बाहर आने को है। ये देख सकते हैं पंप बाहर आ गया, इस तरह से जाम हुआ हुआ पंप निकाल दिया गया। ये बिहारी मिस्त्री जी हैं।